ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैसेजेस में बताइएगा प्लीज। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, आज जो है वो हमारा इंटर्नशिप का पहला लेक्चर है, ठीक है। और आगे जो है वो हमारी इंटर्नशिप जो है वो मैं पूरी की पूरी मैं ही कंडक्ट करने वाली हूँ। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी बातें हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में जो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से आगे मूव करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे, ठीक है। अच्छा, एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो है हमारे पास मेजोरिटी लोग आप लोगों में से वही होंगे जिनका बैकग्राउंड जो है वो पीएल का होगा, ठीक है। उन्होंने प्राइवेट लेबल किया हुआ होगा, कुछ जो है उनको उन्होंने शायद बिल्कुल ही पीएल भी ना किया हुआ हो, होलसेल भी ना किया हुआ हो। तो यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों ने समझने वाली है वो ये कि पहली चीज तो ये कि इंटर्नशिप जो है वो कम्प्लीटली होलसेल मॉडल पे है, ठीक है। तो आप लोगों में से वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी होलसेल मॉडल के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्हें एटलीस्ट बेसिक्स के बारे में पता है, और उन्हें ये पता है कि बीएसआर क्या होता है, उन्हें ये पता है कि एसएन क्या होता है, उन्हें ये पता है कि अमेजोन क्या होता है, तो अगर वो सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है, हर एक लेक्चर को लेंगे, जिस तरीके से उनको असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगी, अगर वो उनको फॉलो करते हैं, तो आई मेक श्योर कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी तो आप सब के सब जो है वो होलसेल मॉडल के ऊपर ग्रिप रखते होंगे, ठीक है। और 90 से 95% आप लोग वो होंगे, आप में से वो लोग होंगे जो कॉन्फिडेंटली मुझे कह सकेंगे कि यस मैम, हम लोग पूरा अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं और हमें होलसेल मॉडल तो एटलीस्ट कम्प्लीटली आ चुका है, ठीक है। तो कम्प्लीटली हैंड्स ऑन होने वाला है। जो इसके अंदर मेन मेन कोर एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि होलसेल के अंदर कौन सी मेन फील्ड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो आपकी ग्रिप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड बाकी भी सारी चीजें जो है वो हम वक्तन फवक्तन करते जाएंगे। बस ये है कि आप लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जिस तरीके से लेके चला जा रहा है आपने उस तरीके से चलना है, ठीक है। एक्सपीरियंस के ऊपर जो है, एक्सपीरियंस पे हमारे जो है वो हमने इसको डिजाइन किया है कि लाइक ये बेसिक से स्टार्ट होके और एडवांस लेवल पे जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए मैं जो है वो आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, ओके सर, स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। सबसे पहला सवाल के व्हाई चूज होलसेल मॉडल। अच्छा, अब ये जो सवाल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अभी आप लोगों ने आगे जाके क्लाइंट हंटिंग करनी है, ठीक है, जब आप लोगों ने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को उनको बताना पड़ता है कि आप लोग क्यों होलसेल मॉडल को प्रेफर कर रहे हो, या क्यों किसी को होलसेल मॉडल जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। तो इसके कुछ बेसिक जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, मैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको बता दूंगा। अगर आप लोग होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हो तो आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के लिए होलसेल मॉडल पे काम करें तो आपने होलसेल को क्यों ऑप्ट किया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि सक्सेस रेशियो इसके अंदर 90% है, यस ऐसा ही है, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे मॉडल से कंपेयर करते हैं तो स्टेबल है, लेस रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए होती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग आप में से स्ट्रगलिंग फेज से गुजर के आ चुके हैं, उन्हें पता है कि मार्केट के अंदर जो है वो होलसेल मॉडल के क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज के नो इशू ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन एज यू आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्योंकि आप लोग ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड ब्रांड्स होते हैं, उनकी इनवॉइसेस होती हैं आपके पास, तो एज सच आपके अकाउंट की जो डीएक्टिवेशन वाला जो इशू है वो काफी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि इस मॉडल के थ्रू आप लोगों के पास एक चीज ये है कि आपके जो है वो ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। लाइक अगर आप उनके साथ बार बार फ्रीक्वेंटली अगर आप उनसे परचेजिंग कर रहे हैं, तो ये है कि लॉन्ग टर्म में जब रिलेशंस बनते हैं तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कोटेशंस भी मिल सकती हैं, डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, और बाकी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक। कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट, अगेन अ वेरी मेन 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 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग क्लाइंट हंटिंग भी कर रहे होते हैं और वहां पे अगर आप उनको कन्विंस कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग पॉइंट होलसेल मॉडल में यही होता है कि स्टार्ट में क्या वैसे ही एक कम इन्वेस्टमेंट से जो है वो स्टार्ट लिया जा सकता है इसका। लाइक अगर आपकी एलएलसी वगैरह बनी भी है और आपके पास इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप इवन 500 से 700 डॉलर्स के अंदर भी स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एलएलसी और अकाउंट वगैरह अगर क्रिएटेड है ऑलरेडी, और फिर क्या होगा कि इससे आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि होलसेल मॉडल बहुत कम बजट से स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये क्या है, लेस रिस्की भी है और स्टेबल भी है। अगेन लास्ट पॉइंट यही है कि इसके अंदर रिस्क जो है वो काफी ज्यादा
कम होता है। तो ये कुछ इसके मेन बेनिफिट्स हैं होलसेल मॉडल के, कि हमें क्यों होलसेल मॉडल ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज के व्हाट इज होलसेल, होलसेल होता क्या है। ठीक है, बड़ी ही बड़ा ही एक बेसिक सा मॉडल है, अगर मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। अच्छा, पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इन होलसेल यू बाय बल्क प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज होती है कि होलसेल के अंदर हम लोग किसी भी ब्रांड या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन उसकी सेलिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी यही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, और मैं जो हूँ वो किसी से बल्क में परचेज कर रही हूँ प्रोडक्ट्स और फिर आगे उसको फर्दर सेल कर रही हूँ, तो ये क्या है, होलसेल मॉडल है। सही, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे कि नेस्ले एक फेमस ब्रांड है, होलसेल में हमने क्या करना है, इससे प्रोडक्ट लेनी है और उसके बाद इसको अमेजोन पे सेल करना है। अब यहाँ पे होलसेल मॉडल को थोड़ा और आसान करने के लिए और इसका बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने पहले भी पढ़ा, होलसेल मॉडल के अंदर एक तो ये चीज है कि आपकी मार्केटिंग बहुत कम लगेगी। ठीक है, आपको इसके ऊपर मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे कि अगर मैं अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ क्लोथिंग की, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत ईजी होता है इस चीज को समझना। अगर मैंने खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है, मैंने अपना पहले ब्रांड स्टार्ट किया कपड़ों का, उसके बाद जो है मुझे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे उसका लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो है वो मेरे क्लोथिंग जो है मेरी क्लोथिंग लाइन की ये खसूसियात है। ठीक है, अच्छी फैक्ट्री से बनवाया गया है, अच्छा कपड़ा यूज हुआ है, अच्छा मटेरियल है, अच्छा फैब्रिक है, अच्छा कलर है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर यही काम मैं यूं कर रही हूँ कि मैं किसी ब्रांड से बल्क में लेके सेल कर रही हूँ जिसका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, तो मुझे उस मार्केटिंग के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बल्क में बोनेंजा से या जे डॉट से कपड़े लेती हूँ और उसके बाद आगे फर्दर उसको सेल कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये यहाँ पे होलसेल मॉडल। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से समझना है। मुझे उनको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस प्रोडक्ट की क्या खसूसियात है क्या नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है मार्केट के अंदर एक ब्रांड चल रहा है, उसका नाम है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर बिल्कुल भी अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ऑलरेडी ब्रांड्स जिनका नाम बना हुआ है मार्केट में, जिनकी रेटिंग है, आप उन्हीं के साथ जो है वो काम कर रहे होते हो। उसके बाद आते हैं कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ होलसेल। ठीक है, होलसेल मॉडल की क्या बैकबोन है, यानी हर मॉडल के अंदर 2 से 3 एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा मॉडल जो है वो बेस्ड कर रहा होता है। हम यहाँ पे बात करें कि होलसेल मॉडल में कौन सी वो 2 से 3 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वो आपकी ग्रिप काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि हैविंग गुड रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स इज द बैकबोन ऑफ अमेज़न होलसेल। ऑब्वियसली बात है, जब हम होलसेल की बात कर रहे हैं तो घूम करके बार 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 डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड, इन्हीं दोनों का वर्ड यूज होगा। सही है, तो इसके अंदर क्या है कि हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम होना ऑब्वियस सी बात है। अगर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ब्रांड है, उसके साथ आप लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप कायम कर लेते हो, तो फिर आप क्या है उसके साथ लंबे अरसे तक चल सकते हैं, लंबे अरसे तक उससे परचेजिंग कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि यू हैव टू कॉल देम एंड मेक गुड रिलेशन विद देम, यू मस्ट नो हाउ टू टॉक। अगेन, होलसेल मॉडल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉलिंग। ठीक है, कॉल्स करने का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से कॉन्टेक्ट करना होता है, आप बाय ईमेल तो करते ही हैं, ठीक है, वो भी आपने करनी होती है। उस पे एक चीज तो ये है कि आपको जो है वो रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलता है, दूसरी बात यह है कि काफी डिटेलिंग किस्म का रिस्पॉन्स नहीं होता। लाइक आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं, आपने क्वेरीज पूछनी होती है, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको स्टॉक के बारे में पूछना होता है, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो वो आपने कॉल पे करनी होती है। अगर ब्रांड है, उससे आपने अप्रूवल लेना है तो आपको कॉल करनी है। ठीक है, आपको उनको कन्विंस करना होता है, तो इसलिए होलसेल बिना कॉल्स के तो लाइक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कॉलिंग का है। और जब हम उस सेक्शन पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉल्स किस तरीके से की जाती हैं, बात किस तरीके से की जाती है, और फिर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा और आप वो भी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, प्रोडक्ट एनालिसिस जो है, अगेन ये कोई भी मॉडल हो, फिर चाहे वो होलसेल हो, आर्बिट्राज हो, पीएल हो, हर मॉडल के अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है कि आप जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपकी हंटिंग किस तरह की है, आपका एनालिसिस किस तरीके का, कि आपको सही से प्रोडक्ट एनालाइज करना आती है। अब क्योंकि हम लोग कोर्सेज जब करके आते हैं तो हमने हंटिंग की भी होती है, ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया होता, तो एक तो हमें ये लग रहा होता है कि नहीं हमें हंटिंग जो है वो आ गई है या इसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर करके आए हैं, जितना मर्जी आप कर लें, ठीक है,
काफी अच्छा खासा टाइम लगता है आपको एक फील्ड में टाइम स्पेंड करने के बाद आप जाके उस लेवल पे पहुंचते हो कि आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो परफेक्ट होती है या अच्छी होती है। तो इसके ऊपर ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो और जिनको अगर आपने जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अगर किया तो आगे जाके जो है वो आपके लिए मसला होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सोर्सिंग। अच्छा, डायरेक्ट सोर्सिंग में क्या होता है कि इन डायरेक्ट सोर्सिंग फर्स्ट यू फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, देन यू फाइंड सोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, बेस्ट वे इज टू फाइंड अ प्रोडक्ट देन कॉन्टेक्ट इट्स ब्रांड। अच्छा, डायरेक्ट सोर्सिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप पहले किसी भी प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो निकालते हैं, उसके बाद उसकी सोर्स फाइंड आउट करते हैं या उसके ब्रांड को कॉन्टेक्ट करते हैं। ये चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा देती है ब्रांड अप्रूवल में। ब्रांड अप्रूवल की बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आगे जाके भी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है, और आप उसके ब्रांड को सेपरेट करके अगर आगे जाके कांटेक्ट करते हैं, तो वहां पे आपके 90 to 95% अप्रूवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं डव के पास जाकर उसको बोलती हूँ कि मुझे जो है वो अप्रूवल चाहिए, तो शायद मुझे अप्रूवल ना मिले, इतने चांसेस नहीं है, ठीक है। या तो अभी मैं वैसे भी एक बड़े ब्रांड के नाम ले रही हूँ, यूजुअली हम स्टार्ट ही स्मॉल ब्रांड से लेते हैं, लेकिन अगर मेरे पास उनकी एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसके स्टार्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं अमेजोन पे, तो मैं सिर्फ उसके लिए बात कर सकती हूँ कि मैं आपके फलाने मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, हमने इसको बल्क में परचेज करना है, तो वहां पे वो फिर भी आपकी बात को थोड़ा थोड़ी तवज्जो देते हैं और उसको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट्स फर्स्ट एंड देन देयर सोर्सेस। अब आते हैं आज का जो लेक्चर का मेन टॉपिक है, ठीक है। पहले आपको कुछ के मेन मेन बातें जो होलसेल की हैं, होलसेल क्या है, उसकी बेसिक्स जो है वो समझाई गई हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि होलसेल मॉडल के अंदर हम लोगों के कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पे। अच्छा, आप सामने जो है वो एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने जो है ये एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्राइटेरिया जो है ये हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे है, ठीक है। हमने इसको खुद से डिजाइन किया कि ये पॉइंट्स जो है वो जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट में होना, तो हम उस प्रोडक्ट को जो है वो अच्छा कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको देखना है, कौन सी चीज कहाँ पे आपको अमेजोन के पेज पे नजर आएगी। ये काम आपने फिलहाल जो आपका पहला असाइनमेंट भी होने वाला है, ये आपने मैनुअली करना है, इसमें आपने कोई भी टूल यूज अभी नहीं करना है, ठीक है। पहले हम इसको मैनुअल करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर हम कीपा पे आएंगे, तब मैं डिटेल्ड आपको बताऊंगी डिटेल्स के साथ कि किस तरीके से कीपा के थ्रू आपने एनालिसिस करना है, क्योंकि होलसेल मॉडल में यही एक मेन टूल है, ठीक है, जिसकी आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैनुअल हंटिंग करवानी शुरू में जो है वो जरूरी होती है, ठीक है। पिछले बैच ने भी की है और जब आप भी करेंगे तो आपको आगे जाके रियलाइज होगा कि मैनुअल हंटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। और सबसे पहली चीज तो ये है कि मैनुअल हंटिंग आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ाती है, ठीक है। आपको बहुत सी चीजों को डिटेल में देखने को मिलता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले जो है वो मैनुअली प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। किस तरीके से निकालना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अब इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और मैं हर पॉइंट की इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि आखिर क्राइटेरिया के अंदर इस पॉइंट को क्यों रखा गया है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी वजह क्या है, ताकि आप सिर्फ ऐसे ही ब्लाइंडली क्राइटेरिया को फॉलो ना किया करें। आपको पता हो कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अमेजोन ना हो लिस्टिंग पे तो क्यों ना हो, ब्रांड ना हो तो क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग इट, ठीक है, उस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन ना हो। अब इसकी क्या वजह है, सबसे पहली चीज तो ये आपने देखनी होती है कि अमेजोन जो है वो लिस्टिंग के ऊपर डोमिनेट ना कर रहा हो, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट उसी के पास जा रहा है और बाकियों के पास नहीं जा रहा। अगेन, ये जब हम कीपा पे आएंगे तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी भी आपने जब प्रोडक्ट्स देखनी है तो आपने देखना है कि लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन ना हो, ठीक है। एक चीज तो ये है कि अमेजोन जो है वो यूजुअली लिस्टिंग्स को डोमिनेट करता है, जिस सिचुएशन के अंदर हम अमेजोन को इग्नोर कर सकते हैं कि वो कितने परसेंटेज के साथ इस लिस्टिंग के ऊपर आया है, वहां पे मैं आपको जाके बताऊंगी कि आप यहाँ पे अमेजोन को इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर ना हो, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट।
सही है। अब देखें, एक चीज तो ये है कि आप ब्रांड से अप्रूवल लेके बैठे हो तो समझ में आता है। अदरवाइज अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड है, ठीक है, भले रोटेशन बाकियों के पास हो रही है, लेकिन एक कांस्टेंट रिस्क आपके ऊपर रहता है कि किसी भी वक्त ब्रांड चाहे तो वो बाकी सारे सेलर्स को उड़ा सकता है। सही है। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक में आप ब्रांड को कम्पीट नहीं कर सकते, ये भी एक वजह है कि आपको ब्रांड वाली लिस्टिंग के साथ नहीं जाना। फिर जिस लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड होता है, यूजुअली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ठीक है, उन्हें तो इस चीज की इतनी खबर नहीं होती कि उनकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। लेकिन अगर कोई ब्रांड जो है वो अमेजोन के ऊपर खुद भी सेल कर रहा है, उस लिस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसकी नजर है कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लिस्ट हुई भी है, कौन कौन उसके ऊपर सेलर्स है। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है अंटिल और अनलेस आपने उस ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है और आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अदरवाइज आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना। थर्ड थिंग इज कि रेटिंग मस्ट बी 4 और 4+। यहाँ पे जिस रेटिंग की बात हो रही है ये वो होती है जो कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे, स्टार्स होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये 4 और 4+ होनी चाहिए। 4 और 4+ का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव स्टार्स उस प्रोडक्ट को ज्यादा मिले हैं, दैट्स वाई हमारे पास एवरेज रेटिंग जो है वो 4 और 4+ है। ठीक है, अगर बाकी सारा क्राइटेरिया फुलफिल है और रेटिंग आपके पास 3.8 तक है तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। रिव्यूज मस्ट बी मिनिमम 100। लिस्टिंग के ऊपर कम से कम 100 रिव्यूज होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने हों उतना ही सही है। प्राइस शुड बी बिटवीन 35 to 50। अब 35 से 50 की क्या लॉजिक है? वैसे आप कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, अगर उसका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। ये एक स्पेसिफिक प्राइस जो है ये मेंशन करने का मकसद ये है कि ये कन्वेंशनल डोमेन में आती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स के जो है यूजुअली आपको सोर्स 15, 18, 20 इसमें मिल जाती है, और प्रॉफिट में प्रॉफिट बचने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। एंड वैसे भी ये चीज है कि जितनी हाई प्राइस की प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो यूजुअली उतना ही प्रॉफिट देके जाती है, लेकिन फिर भी आपने 50 का कोशिश करना है कि आप ना ही जाएं, बहुत ज्यादा महंगी प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्ट में ना जाएं। करंट BSR शुड बी लोअर देन 20,000। अब BSR क्या होता है? BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। ये अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देता है कि वो अमेजोन के ऊपर किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, कितनी उसके ऊपर सेल्स वगैरह आ रही है। ठीक है, BSR का डायरेक्ट ताल्लुक सेल्स के साथ होता है। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि BSR जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 20,000 लिखा हुआ है, अगर वो 2,000 है, 4,000 है, जितना नीचे 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 होगा उतना ही अच्छा है। जिस प्रोडक्ट का BSR 1 होता है वो सबसे टॉप पे होती है, उसको बेस्ट सेलर्स का जो है एक टाइटल भी मिला हुआ होता है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर बैच मिला हुआ होता है जिसका BSR 1 होता है। तो BSR के पीछे ये लॉजिक है कि जितना कम होगा उतना अच्छा है। बाकी ये है कि अभी आप जब प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे और आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स, मतलब बाकी सब कुछ ओके होगा, BSR को आप 35 तक भी कंसिडर कर सकते हैं। सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 30 एंड एटलीस्ट 4 to 6 FBA सेलर्स शुड बी देयर। ठीक है, सेलर्स लिस्टिंग के ऊपर जो है वो कम से कम 30 होने चाहिए और एटलीस्ट उसमें 4 से 6 जो है वो FBA सेलर्स होने चाहिए। अब देखें, आप अमेजोन होलसेल कर रहे हो तो लिस्टिंग के ऊपर एक सेलर तो होगा नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा होगा, तो कम से कम भी जो है वो 30 होने चाहिए, यानी 30 से कम हो तो बेटर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग के ऊपर कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं है। 4 से 6 उसमें FBA सेलर्स होने चाहिए। अब FBA सेलर्स कौन से होते हैं? आपको पता होगा कि अमेजोन के ऊपर 2 मॉडल्स होते हैं, एक FBA होता है, एक FBM होता है। ठीक है, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एंड FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये है कि आप वहाँ पे शिपिंग वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो अमेजोन से ले रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया है, अब अमेजोन का आगे से काम है कि आपका जब भी ऑर्डर आएगा वो उसको डिलीवर करेगा। तो आपने जिस लिस्टिंग पे जाना है, आप क्योंकि FBA कर रहे हो तो आपने देखना है कम से कम उसके ऊपर 4 से 6 FBA सेलर्स मौजूद हों। ठीक हो गया, बाकी के 3 पॉइंट्स जो है वो अभी मैनुअल हंटिंग के क्राइटेरिया में नहीं आते तो उनको अभी हमने नहीं देखना। फिर आते हैं असाइनमेंट के ऊपर जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक वेंसडे तक का आपके पास टाइम होगा जहाँ पे सबमिट करवानी है। मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां पे करेंगे। आपने एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट्स निकालनी है। ठीक है, मेन थिंग इज कि आप प्रैक्टिस करो, अगर 50 नहीं होती है, 30 अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही है, इट्स ओके, बट आपका टारगेट 50 प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी कर लेना है कि उनके जो ब्रांड्स हैं उनको भी आप सेपरेट कर लीजिएगा अपने पास, मर्जी अभी करें या बाद में कर लें, लेकिन जब ब्रांड्स वाले एक पार्ट पे हम जाएंगे तब वो ब्रांड्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, जो कि प्रोडक्ट्स अच्छी आपके पास स्टैट्स वाइज मौजूद होंगी। ठीक है, असाइनमेंट की आपने प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है, किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको भी बताती हूँ।
क्योंकि एक्सेल शीट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वो स्टैट्स तो नहीं ना शेयर करते रहेंगे, सही है, मतलब आप स्क्रीनशॉट्स ले लेके नहीं रख सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर एक्सेल शीट होनी चाहिए। और वो किस तरीके से बनती है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एंड होलसेल मॉडल में एक्सेल शीट्स बहुत ज्यादा काम आती है, तो आपको ये बनानी आनी चाहिए, फिर चाहे आप जब डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स का काम कर रहे होगे तब, या अभी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा जो है वो आपका सिक्योर रहता है, और यही डेटा आपको आगे काम आएगा जब आपके पास अगर क्लाइंट्स आते हैं और आपके पास चीजें मौजूद है। अब आपने देखें शीट किस तरीके से बनानी है। शीट इस तरीके से बनानी है कि फर्स्ट कॉलम में फॉर एग्जाम्पल आपने SN लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो जो क्राइटेरिया के पार्ट्स हैं आप उसको इसमें फिल कर सकते हैं, जैसे रेटिंग है, रिव्यूज है, FBA सेलर्स है, आप टोटल सेलर्स का कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या क्या देखा है, आपने अमेजोन देखा है, अमेजोन को कॉलम बना के लिख दें, येस और नो है या नहीं है, ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स आपने देखे हैं वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने एंड में एक कॉमेंट का कॉलम बनाना है, जहाँ पे आपकी जो भी राय है उस प्रोडक्ट के बारे में आपने वो लिखनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपने क्या करना है कि इसके ब्रांड को भी अलग कर लेना, और आगे ये ब्रांड की डिटेल्स हैं कि आप जो ब्रांड को अलग करेंगे तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल और उसकी वेबसाइट लेंगे, ये चीजें आपने अपने पास रख लेनी है, ये आपको आगे जाके काम आएगा। इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो जो आपने क्राइटेरिया के अंदर पॉइंट्स देखे हैं उनके आप कॉलम्स बना सकते हैं और उसको आपने फिल करना, सही है। अच्छा, ये कुछ नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं। अब ये है कि मैं आपको जो है वो अमेजोन के ऊपर दिखाती हूँ कि हमने जो क्राइटेरिया देखा है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे पास पहले भी खुला हुआ था। अच्छा, ये वो बेस्ट सेलर्स रैंक होता है, देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया इसको भी बेस्ट सेलर का मिला हुआ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप अमेजोन पे आएंगे, क्योंकि हम USA की मार्केट की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, अगर पाकिस्तान होगा आपने क्लिक करना है, उसके बाद कोई भी जिप कोड डालना है USA का, तो आपकी क्या होगी, लोकेशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपको अब यहाँ पे, क्योंकि ये नेस्ले लिखा हुआ है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, वरना कोई भी ब्रांड है, डव है, कोई भी ब्रांड आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती जा रही है। अच्छा, ये कुछ एक्सटेंशन है जो कि मेरे पास ब्राउजर पे हुई नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें ऊपर ही शो हो जाती हैं कुछ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। एक है ग्रेबले की एक्सटेंशन, GRAVLEY, ग्रेबले। एक होती है DS क्विक व्यू, ठीक है, ये DS क्विक व्यू की वजह से ये जो है वो आपको सारी चीजें ऊपर ही शो कर रहा होता है। अब लेट्स से हम लोग जो है वो ये वाला ब्रांड ले ले, ब्रांड कह रही हूँ, ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें जो हमें ऊपर ही शो हो रही हैं हम वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हमें यहाँ पे शो हो रही है SN, ये SN है, ठीक है। एक आपको SN यहाँ से देखने को मिल जाता है, अगर आपके पास एक्सटेंशन है मैं अभी आपको लिख के बता दूंगी। एक आप ये देखें, यहाँ से भी आपको SN का पता लग जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का SN है, हमेशा 20 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे जाके आपको जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स में भी SN मिल जाता है, SN भी मिल जाता है और साथ में BSR भी मिल जाता है, ठीक है। ये रहा SN और ये इसका BSR है। BSR क्या शो हो रहा है, 3,432 इन ग्रोसरी एंड गोर में, यानी 3,000 BSR है, तो क्या है, काफी अच्छा है, सही है, काफी अच्छा BSR है, बहुत कम है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें 4.5 है, हमने क्या कहा था 4 और 4+ होने चाहिए। रिव्यूज की बात करें तो वो कितने हैं, 6,417 है, हमने कहा था कम से कम कितने हो, 100 हो। ये आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स में नीचे मिल जाती है। वेट भी मिल जाता है, वेट भी आपने देखना है कि 2 kg से, यानी 2 kg से कम होना चाहिए, सही है। अब मैं आपको ऊपर बताती हूँ, ये देखें SN भी शो हो रहा है, BSR भी, ठीक है। BSR वाला क्राइटेरिया क्या हुआ, फुलफिल हो गया कि BSR इसका काफी अच्छा है। रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग भी ठीक है, रिव्यूज भी ठीक है। एक चीज मुझे ऊपर जो शो हो रही है वो ये हो रही है कि इसके ऊपर Amazon भी मौजूद है, ठीक है, इसके ऊपर FBA 6+ है, FBM 4+ है। ये तो एक्सटेंशन दिखा रही है, अभी हम मैनुअली भी देखेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है, सही है। बाकी इसकी प्राइस दिखाई भी है वो क्या है, 13.11 है, 13.11 प्राइस देखी जाए तो वो क्या है, कम है, लेकिन बाकी चीजें देखते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो हमारे पास एड टू कार्ट का सेक्शन होता है, हम कह रहे होते हैं बाय बॉक्स बाय बॉक्स बाय बॉक्स, जिन लोगों को नहीं पता कि बाय बॉक्स होता क्या है, वो दिखता कहाँ है, कैसा होता है, तो इस एड टू कार्ट सेक्शन को ही बेसिकली बाय बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, जिस भी सेलर के पास उस टाइम पे मौजूद होता है वो सबसे ऊपर आपको शो होता है और उसी की प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। इस वक्त अगर हम देखें कि बाय बॉक्स किसके पास है, तो इस वक्त बाय बॉक्स अमेजोन के पास है,
कैसे पता लगे कि लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन है? ये देखें, शिप फ्रॉम में और सोल्ड बाय में, दोनों में अमेजोन डॉट कॉम लिखा हुआ है, यानी कि बेच भी अमेजोन खुद रहा है और शिप भी कौन कर रहा है? अमेजोन ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन सेलर भी है और इस टाइम पे क्या है, अमेजोन के पास बाय बॉक्स भी मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स अगर आपने देखने हैं, हमने क्या कहा था कि 30 से कम होने चाहिए सेलर्स, यहाँ पे 21 है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली बात भी इस प्रोडक्ट के ऊपर फुलफिल हो रही है। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे सेलर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। सबसे ऊपर वही है जिसके पास बाय बॉक्स है, जो कि कौन है, अमेजोन। शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय में अमेजोन लिखा हुआ है। अब अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर है भी और इस वक्त इसके पास बाय बॉक्स भी मौजूद है। नीचे अगर हम जाते हैं तो ये वाला सेलर जो है ये FBA कर रहा है। FBA किस तरीके से आपको पता लगेगा कि शिप फ्रॉम में लिखा हुआ है अमेजोन डॉट कॉम, यानी वो अमेजोन की सर्विसेज ले रहा है, शिप उनसे करवा रहा है, और सोल्ड बाय में उसका अपना स्टोर लिखा हुआ है, यानी सेलर वो खुद है, सही है। तो ये क्या है, एक FBA है, यानी लिस्टिंग के ऊपर पहला FBA हमें मिल गया है। ये कर रहा है FBM, यानी शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, दोनों के अंदर क्या है, FBM है, सही है। ये मतलब दोनों के अंदर सेलर के स्टोर का नाम लिखा हुआ है, ये FBM सेलर है। अच्छा, एक FBA एक FBM, ये देख लें अगर हम लोग, तो ये क्या है, ये हमारे पास है FBA सेलर, दो FBA हो गए, तीसरा FBA हो गया, ठीक है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो यानी कि इसके ऊपर काफी सारे FBAs तो हैं, ठीक है, कोई पांच छह तो नजर से अभी ही गुजर गए। आपको ये भी पता लग गया कि ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। इसके अलावा हमने कहा था कि ब्रांड ना सेल कर रहा हो, तो ब्रांड आपको कैसे पता लगेगा? अब इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसका स्टोर जो है ना वो ये होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नेस्ले हॉट कोका, ठीक है, कोकोआ स्टोर इसका ये है। और यहाँ पे आपको ये किस तरीके से पता लगेगा कि जब आप यहाँ पे सेलर्स में आएंगे, अगर कहीं पे भी शिप फ्रॉम में या सोल्ड बाय में इसका नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रांड सेल कर रहा है। FBA भी कर सकता है, यानी अमेजोन की सर्विसेज भी ले सकता है और FBM भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैन्युअली जो है वो क्राइटेरिया को देखते हुए प्रोडक्ट को निकालना है। अगर मैं आपको एक दो तरीके बता दूं कि आपने वो किस तरीके से निकालना है, बिकॉज वी हैव लाइक 8 मिनट्स लेफ्ट, तो एक तरीका यही है कि आप कोई भी ब्रांड का नाम लिखो, आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, आप वहां से कर सकते हैं, आप एक से एक सेलर के स्टोर पे जा सकते हैं, इसको सेलर स्नाइपिंग कहते हैं, यानी सेलर्स के स्टोर में जाके तांखाजाती करना कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट लगा रखे हैं। कोई भी ऐसा सेलर जिसकी रेटिंग वगैरह कम हो, आप उसके स्टोर पे जा सकते हैं, ये एक सेलर है, ठीक है, ये पता लग जाता है इसके पास कितने रिव्यूज हैं, इसके स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपको इसके स्टोर पे ले जाएगा, ये इसके स्टोर का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसने प्रोडक्ट्स लगाई हुई है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये इसने सारी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे और आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ब्रांड्स लिखे हुए हैं, यहाँ से ब्रांड्स वगैरह या प्रोडक्ट को देखने का ये होता है कि चांसेस होते हैं कि कम रिव्यूज वाला सेलर है इसके पास, अगर है तो शायद ये अप्रूवल लेके बैठा और हमें भी मिल सकते हैं। अब ये देखें, आप मैनुअली अगर ढूंढेंगे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ पे इसमें ऑलरेडी लगाई हुई आपके पास बहुत सी चीजें आपको पता लग जाती हैं, BSR इसका अच्छा है, रेटिंग इसकी अच्छी है, रिव्यूज इसके अच्छे हैं, लिखा हुआ है कि पिछले महीने में 10,000 पीसेज इसके सेल हुए हैं, 65 इसकी प्राइस है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, फिर आप चाहो तो इसमें से एक किसी प्रोडक्ट में जाओगे, उसके अंदर और सेलर्स होंगे, आप वहां से उसके स्टोर पे जा सकते हैं। सो इस तरीके से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका प्रोडक्ट को या ब्रांड को फाइंड करने का तरीका जो होता है वो सेलर स्नाइपिंग ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सेलर स्नाइपिंग वाला तरीका एक फॉलो करना है, और एक आप ये कर सकते हैं कि आपके कोई किसी भी ब्रांड का अगर आपको नाम पता है तो आप उसको टाइप करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपने जो है वो जाके चेक करना है कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही है। और ये आपका जो है वो असाइनमेंट है जो कि आपने बनाना है, और जहाँ पे सबमिट करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट, और मैं जो हूँ अभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देखती हूँ, आप लोग जो है वो टाइप करें, ठीक है। मैम 2-3 महीने पहले की भी हंड प्रोडक्ट, आप उसके स्टेटस दोबारा से चेक कर लें, एक्सटेंशन का नेम बता दीजिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन है ड्रेबले की, ठीक है, और एक है डीएस क्विक व्यू, ठीक है, ये दोनों आप अपने पास कर लें। अब आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो करें। मैम प्राइस 35 से 50 में ही होनी चाहिए, हाँ अच्छा है, अगर बाकी सारे स्टैट्स फुलफिल हो रहे हैं और प्राइस कम है तो आप उसको भी रख सकते हैं।
एग्जाम्पल कह रही है कि ये वाली प्रोडक्ट अच्छी थी या नहीं थी। नहीं, एक ये मेरे लिहाज से अच्छी नहीं थी क्योंकि एक तो अमेजोन सेल भी कर रहे हैं और इस टाइम पे भी अमेजोन के पास ही बाय बॉक्स है, और मैं इसको थोड़े थोड़े वक्फे से भी चेक कर सकती हूँ कि क्या किसी और के पास बाय बॉक्स गया है। तो मेरी तरफ से मैं इसको अवॉइड करूंगी, क्योंकि जब आप मैनुअल हंटिंग करें आपके पास क्राइटेरिया है, आप बाउंड तो नहीं है ना, आपके पास कोई इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर की शीट थोड़ी है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई निकालना ही है प्रोडक्ट। तो आप फिर आराम से अच्छा निकालें, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स को कंसिडर ना करें, जो टूटने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं अवॉइड करें। शीट बनाने का तरीका यही है कि एक्सेल शीट या गूगल शीट में आपने बनाना है, डिफरेंट कॉलम्स को नाम दे देने हैं, जो क्राइटेरिया है उसकी आपने हेडिंग बना लेनी है, एक एसएम का कॉलम, एक रेटिंग का कॉलम, ठीक है, एक रिव्यूज का कॉलम, अमेजोन का कॉलम कि अमेजोन है या नहीं है, ब्रांड है या नहीं है, इस तरीके से सारा क्राइटेरिया ऊपर के कॉलम्स में लिख के, और उसके बाद हर प्रोडक्ट की वो चीजें आपने वहां पे फिल करते जाना है। एक्सटेंशन ऐसे के ऐड करनी है, आपने गूगल पे जाके लिखना है इस तरीके से एक्सटेंशन का नाम, तो वो आ जाएगा। यस बाय बॉक्स रूटे नहीं, मैनुअली भी अभी के लिए आप मैनुअली इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के बाद जब प्रोडक्ट खोल के देखेंगे, आप देखेंगे टॉप के ऊपर कौन सा सेलर है, क्या अमेजोन के अलावा कोई सेलर आया है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ अमेजोन की बात हो रही है, क्योंकि किसी ने पूछा था हम इसको अवॉइड करेंगे या नहीं करेंगे। Helium 10 यूज करने की जरूरत नहीं, आपके बिला वजह के पैसे जाए होंगे, इसमें तो सिर्फ कीपा की जरूरत पड़ती है और वो आगे जाके पड़ेगी। अभी आप लोग मत परचेज कीजिएगा, मैं कीपा आपको प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगी कि किस तरीके से करना होता है। सो अभी के लिए आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। नहीं, Helium 10 फ्री नहीं है बच्ची, हाँ कोई उसका ट्रायल होगा, अदरवाइज Helium 10 फ्री नहीं है, खरीदना पड़ता है, और फ्री में सारे फीचर्स भी नहीं होते। 20 अबव प्राइस हो तो यस हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी होलसेलर रिस्पांस ना करे, नहीं ऐसा नहीं होता, करते हैं। हाँ जी, गूगल शीट में आर वी डूइंग ओ इन दिस प्रोडक्ट। देखिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के अंदर एक बड़ी बारीक सी लाइन है, और वो सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से परचेज करते हैं और उसमें आप रिटेलर की वेबसाइट से परचेज करते हैं। किसी ने पूछा कीपा फ्री है, नहीं कीपा भी परचेज किया जाता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ओए के अंदर जिस तरीके से आपको अगर ये कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है, आप इसी के टाइटल को जाके गूगल पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, आप चाहे तो वीपीएन लगा सकते हैं यूएसए का, तो आपको जो जहां जहां वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी आपको वहां से मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिटेलर से हम लोग उसकी सोर्सिंग कर लेते हैं ओए में, और बहुत कम के साथ जा रहे होते हैं, क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ सेम ही होता है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग यस एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगी। रिमार्क्स में आपके जो भी उस प्रोडक्ट के हवाले से आपको लग रहा है बेस्ट है, नहीं है, जो भी है वो आप लिख सकते हैं वहां पे। ब्रांड का कॉन्टेक्ट ईमेल नंबर, हाँ उनकी वेबसाइट से मिल जाता है, नीचे कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगी तो वहां से मिल जाएगा, और वेबसाइट का लिंक तो जाहिर है आप जब उसको लिखेंगी उसी वेबसाइट पे जाएंगी तो वही उसका लिंक होता है। हाँ जी, हर चीज की हेडिंग देके आपने लिखना है। हमने FBM वालों को प्रेफर करना है, नहीं आपने ये देखना है कि लिस्टिंग के ऊपर जो है ना वो FBA जरूर हो, सब FBM ना हो। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई मसला वो लिस्टिंग नहीं हुई है। सेलर स्नाइपिंग टूल नहीं है, सेलर स्नाइपिंग एक इस मेथड को कहते हैं जब आप सेलर्स के स्टोर्स पे जाके और उनकी प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। शीट शुड बी सेम एज एग्जाम्पल शीट, नहीं आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें, इसके अंदर और चीजों को ऐड करें, और कॉलम्स को ऐड करें। मिनिमम FBM कितने होने चाहिए, जितने कम हो उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 4 FBA तक हो अगर है तो ठीक है, आप उसको कंसिडर कर लो। Amazon हो और FBA हो तो कंसिडर कर लें। अगेन अभी के लिए मैनुअल हंटिंग में आप Amazon वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करो। आगे जाके बताऊंगी कि Amazon पे कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में हम कर सकते हैं।
अगर कोई कैटेगरीज का पूछ रहा है तो कैटेगरीज जो है वो होलसेल में तकरीबन सारी चलती हैं, लेकिन किचन कैटेगरी अच्छी है, पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है, आपको वहां से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, होलसेल में चलती भी बहुत है यूएसए में, क्योंकि हर घर में इतना एक पेट जरूर होता है, ठीक है। तो ये हो गई कैटेगरीज। इसके अलावा होम एंड किचन के अलावा गार्डन एंड आउटडोर है, ऑफिस सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। यस, एफबीए वाली प्रोडक्ट्स को कंसिडर करें। एफबीए हम तो होते हैं हर लिस्टिंग पे, लेकिन एफबीए 3-4 हैं तो ठीक है, क्योंकि अमेजोन यूजुअली डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, और बाय बॉक्स रोटेशन डोमिनेट कर रहा है तो फिर बाकियों के पास बाय बॉक्स नहीं जा रहा होता, क्योंकि अमेजोन की खुद की मार्केट है। रोटेशन भी अमेजोन की वजह से ही है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स वैसे चल जाती हैं होलसेल में, स्पेशली अगर आप ब्रांड से ले रहे हो, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप अवॉइड ही करें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ना जाए, मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। पीएल और होलसेल का हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अच्छा, वी हैव लेस देन 1 मिनट, खत्म होने वाला है। बेबी प्रोडक्ट्स वहाँ कर सकते हैं, शिप बाय में अगर अमेजोन हो, सोल्ड बाय में ब्रांड हो, इसका मतलब ब्रांड सेल कर रहा है, क्लोथिंग ना करें जी, अनगेटेड को करना ज्यादा बेटर है। यस, ब्रांड कांटेक्ट करने वाले में मैं नंबर के बारे में बता दूंगी आपको कहाँ से लेना चाहिए। द मीटिंग इज अबाउट टू एंड एंड आई थिंक मैंने सबके क्वेश्चंस ले लिए हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।